Hey kids, this is Jyoti Yadav welcomes you all on my YouTube channel. Do you know, I have an interesting topic for today. आपको पता है आज मेरे पास बहुत मजेदार टॉपिक है. पूछू क्या? चलो मैं बता ही देती हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीजन्स पे. हाँ जी, सीजन्स पे. तो अब पहले आप क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ कि आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो किस सीजन में आता है. विंटर में, समर में, स्प्रिंग में, ऑटम में, कब आता है जो आपका फेवरेट फ्रूट है वो. क्या आपको स्विमिंग करना पसंद है? तो आप किस मौसम में, किस सीजन में स्विमिंग करते हो? और आइसक्रीम किस मौसम में खाते हो आप? अम्ब्रेला कब यूज करते हैं हम? सोचो, थिंक अबाउट दैम. अम्ब्रेला कब यूज करते हैं, आइसक्रीम कब खाते हैं? अच्छा ये बताओ कि जो ठंडी हवा है वो किस मौसम में चलती है? और लू कब चलती हैं? लू होती हैं गर्म हवा जो होती है, उन्हें हम लू बोलते हैं. तो लू किस मौसम में चलती हैं? और जो नए नए फ्लावर्स हैं वो कब खिल के आते हैं, कब ब्लूम होते हैं? क्या आपको पता है इन सब के बारे में? आप मुझे कमेंट करके बताओ ये सब बातें, कि हम अम्ब्रेला कब यूज करते हैं, आइसक्रीम कब खाते हैं, मतलब किस सीजन में खाते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम कब करते हैं, ठंडी हवा और विंडी हवा कब चलती है, जो पेड़ है ऐसा होता है ना, जो पेड़ है उसके ऊपर से पत्ते खत्म हो जाते हैं, देखा है आपने कभी ऐसा? तो वो कब होता है, ये सब मुझे कमेंट में बताओ. और हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं. पता है हमारे टॉपिक का नाम क्या है? द फोर सीजन्स. आपको पता है अपने इंडिया में ना फोर तरह के सीजन्स होते हैं? हाँ, फोर तरह के सीजन्स होते हैं. और एक बार पता है क्या हुआ था, इन फोर तरह के सीजन्स में झगड़ा हो गया. वो बोलता कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, दूसरा बोलता मैं उससे ज्यादा अच्छा हूँ. तो इस तरह से कर करके चारों के अंदर झगड़ा हो गया. तो उसके ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक है. आज की जो हमारी स्टोरी है वो वही है. हाँ, तो चलो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा और स्ट्रोंग कौन सा सीजन है. सो किड्स, व्हाट डू यू थिंक, सबसे अच्छा और प्यारा सीजन कौन सा है? Are you excited about today's topic? So let's start our topic. Once, the four seasons had a quarrel, means fight. एक बार क्या हुआ कि चारों seasons के बीच में fight हो गई. I am better than the three of you. I am better than you. No, I am best. No, I am the best, na? Everyone thought they were the best. सबको लग रहा था कि वही बेस्ट हैं. फिर स्प्रिंग क्या बोलता है, आई ब्रिंग लवली फ्लावर्स टू द फुल ब्लूम, कि मैं आता हूँ उस टाइम बहुत से प्यारे प्यारे फूल हैं वो खिल जाते हैं. ब्लूम होता है खिलना, जो बहुत से फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं, वो खिल जाते हैं. बर्ड्स क्रेम मेयरली, जो पक्षी हैं वो खुशी से बोलने लगते हैं, चहचाने लगते हैं. बटरफ्लाइज डांस ओवर द फ्लावर्स, तितलियां हैं वो डांस करती हैं फ्लावर्स के आसपास. देयर इज जॉय एवरीवेयर, हर जगह मौज मस्ती होती है, हर जगह खुशी होती है. फिर समर क्या बोलता है, एवरीबडी हैज अ लॉट ऑफ फन, कि हर कोई बहुत मौज मस्ती करता है, बहुत खुश होता है. दे हैव आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मैंगोज एंड वाटरमेलन. वो क्या बोलता है कि हर कोई खुश होता है, उनके पास आइसक्रीम होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, मैंगोज होते हैं, वाटरमेलन होते हैं. वाटरमेलन होते हैं तरबूज, मैंगो होते हैं आम. तो ये सब होते हैं उनके पास. पीपल एंजॉय स्विमिंग, लोग हैं वो स्विम करते हैं, मतलब तैरने जाते हैं. एंड गोइंग टू द बीच, और बीच पे घूमने जाते हैं या स्विम करने जाते हैं. अब ऑटम क्या बोलता है,
By the time I come, people are tired of the heat. I bring cool air and change the color of the leaves. Many trees shed their leaves. तो ऑटम क्या बोलता है? By the time I come, जिस समय मैं आता हूँ, people are tired of the heat. लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, मतलब परेशान हो चुके होते हैं. I bring cool air, मैं ठंडी हवा लेके आता हूँ. And change the color of the leaves, और पत्तियों का कलर चेंज कर देता हूँ. Many trees shed their leaves, और बहुत से पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, पत्तियाँ छोड़ देते हैं. वैसे तो जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन ऑटम में जो वो पत्तियाँ होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, और वो पत्तियाँ टूट जाती हैं. फिर इन सब के बोलने के बाद विंटर क्या बोलता है? Some people feel very cold, but then they enjoy hot chocolates and soup. Winter बोलता है कि कुछ लोगों को बहुत ठंड फील होती है, but they enjoy hot chocolate and soup. हम खाते हैं ना, hot chocolate लेते हैं हम ठंड में, soup पीते हैं. तो winter यही तो बोलता है कि कुछ लोगों को तो ठंड फील होती है, पर उन लोगों को मजा भी आता है जब ठंड में हमें गर्मा गर्म चॉकलेट और सूप मिले, तो मजा आता है ना. अब चारों अपनी अपनी बातें बोलने जा रहे हैं. द सीजन्स डज नॉट लिसन टू ईच अदर, वो एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं. आई डोंट लाइक समर, सी टू प्राउड. तो जो विंटर है वो कहती है कि मुझे समर बिल्कुल नहीं पसंद, वो बहुत गर्म होता है. पर अब जो समर है वो क्या बोलता है? आई डोंट लाइक विंटर, मुझे ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद. इट्स टू कोल्ड, वहां उस टाइम बहुत ठंड होती है. स्प्रिंग डिसाइड्स टू एंड द क्विल, जो स्प्रिंग है वो डिसाइड करता है कि इस झगड़े को खत्म करते हैं. डोंट फाइट विंटर, वो बोलते हैं लड़ाई मत करो विंटर. इट्स बिफोर ऑफ यू दैट स्नो फॉल्स, कि तुम्हारी वजह से ही तो बर्फ पड़ती है. When the snow melts, जब जो बर्फ है वो पिघलती है, melt होता है पिघलना, जब बर्फ है वो पिघलती है. The rivers and lakes fill up with water, जब ठंड की वजह से विंटर में ही तो बर्फ गिरती है, और जब वो बर्फ पिघलती है तभी तो जो हमारी लेक्स हैं, जो हमारी नदियां हैं, उनमें पानी भरता है. And the summer, it's because of your sunshine. और गर्मी तुम्हारी वजह से ही तो जब वो सूरज चमकता है. Grains grows in the field and fruits on the tree. जब सूरज चमकता है तुम्हारी वजह से, ज्यादा सनलाइट होती है ना, गर्मी के अंदर धूप ज्यादा होती है, तो तभी तो जो हमारे खेतों के अंदर अनाज है वो उगता है, और जो हमारे पेड़ों के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, वेजिटेबल्स लगती हैं, वो तभी तो होती है. अगर सन नहीं होगा, अगर हमारे जो अर्थ है वहां तक सनलाइट नहीं पहुंचेगा, तो ये सब भी नहीं होगा. दैट्स ट्रू स्प्रिंग, तुम सही कह रहे हो स्प्रिंग. वी मस्ट बी यूनाइटेड, हमें साथ रहना चाहिए. ऑल द सीजन्स आर इम्पोर्टेंट, हर सीजन है वो जरूरी होता है, हर ऋतु है वो जरूरी होती है. सो स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर बिकम फ्रेंड्स वंस मोर. तो इस तरह से स्प्रिंग समर ऑटम और विंटर फिर से फ्रेंड्स बन गए. दे प्रॉमिस टू नेवर फाइट अगेन, उन्होंने वादा किया कि वो फिर से कभी झगड़ा नहीं करेंगे. वी ऑल आर इम्पोर्टेंट, हम हर जो ऋतु है वो इम्पोर्टेंट होती है. तो यहाँ जो हमारी स्टोरी है वो एंड होती है. जो सारे सीजन से वो मान गए हैं कि वो सब इम्पोर्टेंट है, वो झगड़ा नहीं करेंगे, मिलके रहेंगे. तो ऐसे ही हमें हमारी लाइफ में मिलजुल के रहना चाहिए. हर कोई इम्पोर्टेंट होता है, हर इंसान स्पेशल होता है. तो हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको स्पेशल ट्रीट करना चाहिए. सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबकी केयर करनी चाहिए, और खुद की भी केयर करनी चाहिए. सब फटाफट से आप मुझे ये बता दो कि आपको ये जो स्टोरी है वो कैसी लगी. स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है.
ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।